आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में, उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पण का किसने कहा था महिला को, जर्सी गाय किसने कहा था महिला को, रेवण्णा रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरीताई पेडणेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया, उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल हुआ? हाल ही में थाने में महिला पर फिर पदाधिकारी, इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ थाना में, कौन सा गुनाह दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल हुआ? अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है, तो ये सारे लोग जिन्होंने जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और वो जाकर पूछ लीजिए, आप लीजिए, आपसे प्रार्थना है भैया आपने ये बोला था आपके ऊपर गुनाह। अब्दुल सत्तार, उन्होंने सुप्रिया सुले ताई के बारे में क्या कहा था, तो उनका क्या हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई की बताओ तो मुझे। अगर महिलाओं के सम्मान की बात जो पार्टी कर रही, जिस पार्टी के मंत्री अब्दुल सत्तार हो, संजय राठौड़ हो, जिनके ऊपर हमारी चित्रावाद जैसे भगिनी ने बहुत बड़े आरोप के लगाए, आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस जी आंदोलन किया, क्या हुआ उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई? तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आता, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्जाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती है। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ, 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया, किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे, वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो, उसका ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। धन्यवाद।